साल 1922 में एक 15 साल का लड़का एक छोटी सी गाड़ियों की रिपेयर शॉप में अपने काम के पहले दिन पहुंचता है, तो रिपेयर शॉप का मालिक लड़के को ये कहकर ताना मारता है कि वो इस नौकरी के लिए नहीं बना, और उस लड़के को दुकान की सफाई और अपने बच्चे की देखरेख के लिए लगा देता है। और शुरुआती दिनों में कोई उस लड़के को तवज्जो तक नहीं देता था, पर देता ही क्यों, किसी को क्या पता था कि ये जापानीज लड़का सुचिरो होंडा आगे चलकर दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनी के साथ कंपटीशन करेगा और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बनाएगा। तो कैसे एक गरीब लड़का बच्चों की बेबी सिटिंग करने से लेकर बन गया मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड होंडा मोटर्स का मालिक। तो कहानी शुरू होती है 1906 में जापान के एक छोटे से गरीब गांव शिजुओका तेनरियो में, जहां जिनी होंडा और मीका होंडा अपने परिवार में पहली औलाद सुचिरो होंडा का स्वागत करते हैं। सुचिरो के पिता पेशे से एक लोहार थे और वो साइड बिजनेस में बाइसिकल रिपेयर का भी काम किया करते थे, क्योंकि उनके परिवार की माली हालत इतनी कुछ खास नहीं थी। सुचिरो की उम्र जब 8 साल की थी तो वो रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकले, तब उनके कानों में एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई पड़ी। गौर से देखने पर सुचिरो ने अजीबोगरीब मशीन देखी और उस अजीबोगरीब मशीन देखने पर सुचिरो दंग रह गए। ये मशीन कोई और नहीं बल्कि फोर्ड मॉडल टी थी। ये पहली बार किसी कार को चलते देखना ही सुचिरो का मशीन और इंजन जैसी चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ, और इसी वजह से आगे चलकर सुचिरो ने साइकिल रिपेयर करना और मशीनों में ग्रीस लगाने जैसे काम सीखे। बचपन से ही सुचिरो का स्कूल में मन नहीं लगता था, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय अपने फादर की बाइसिकल रिपेयर शॉप पर साइकिल रिपेयर करने का काम किया करते थे। साल 1922 में सुचिरो ने एक मैगजीन एड देखा टोक्यो की ऑटोमोबाइल सर्विस कंपनी का, तो उन्होंने कंपनी को एक लेटर लिखा कि वो उनकी सर्विस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, और किस्मत ने उनका साथ दिया और उस कंपनी की तरफ से उन्हें जॉब देने का एक रिप्लाई भी आया। तो 15 साल की उम्र में ही सुचिरो ने अपना घर बार छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए टोक्यो चले गए, और जब वो रिपेयर शॉप पहुंचे तो शॉप के ओनर यूजो सकाकी बारा ने उनके लिए अपने बच्चे को पालने की जॉब सोच रखी थी। शुरुआत के कुछ महीनों में वो कुछ खास पैसे तक नहीं कमा रहे थे और पूरा दिन बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर घुमाते थे। टाइम बीतता गया और रिपेयर शॉप में काम की डिमांड बढ़ती गई और ओनर ने सुचिरो को भी रिपेयर के काम में लगा लिया। भले ही शुरुआती दिनों में सुचिरो सिर्फ छोटे मोटे काम ही करते थे, पर धीरे धीरे वो काफी एक्सपर्ट मैकेनिक बन गए, और उनका टैलेंट और डेडिकेशन देखकर वर्कशॉप के ओनर ने सुचिरो को वर्कशॉप के बिजनेस साइड के बारे में थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किया, और इसी वर्कशॉप की वजह से ही सुचिरो को मोटर स्पोर्ट की दुनिया के बारे में भी पता चला, क्योंकि मोटर स्पोर्ट और रेसिंग जैसी चीजें यूरोप, अमेरिका और जापान जैसी देशों में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही थी। 1923 में पहली बार सकाकी बारा ने रेसिंग कार्स बनाना शुरू किया अपनी टीम के साथ, और जो पहली कार उन्होंने डिजाइन करी थी वो थी आर्ट डैमलर, और दूसरा मॉडल डिजाइन किया वो था कर्टिस, जिसे अमेरिकन कर्टिस बायप्लेन के सेकेंड हैंड इंजन से बनाया गया था, और इस कार को 1924 में 5th जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में उतारा गया, और अपनी पहली ही रेस में इस कार ने पहला पोजीशन हासिल कर लिया, जिसके बाद से ही सुचिरो के लिए मोटर स्पोर्ट ही उनका असली शौक बन गया। यूजो सकाकी बारा ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एक नई ब्रांच खोलने का फैसला किया, और इस ब्रांच के इंचार्ज के लिए सुचिरो को चुना। शुरुआती दिनों में तो ये नई ब्रांच इतनी खास नहीं चली, पर धीरे धीरे उनके इतने सालों के रिपेयरिंग एक्सपीरियंस की वजह से उनकी इस वर्कशॉप में अकेले काम करने से लेकर 30 लोगों का स्टाफ रखने तक का सफर तक पहुंच गए। सुचिरो न केवल एक एक्सपीरियंस मैकेनिक थे, बल्कि वो एक अच्छे स्पोर्ट कार ड्राइवर भी थे, जो उनको और मैकेनिक से काफी अलग बनाता था। इसी वजह से सुचिरो ने काफी ज्यादा रेसिंग चैंपियनशिप्स में भी भाग लिया, पर एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उन्होंने अपने परिवार को वादा किया कि वो उसके बाद से कभी भी कोई रेसिंग में भाग नहीं लेंगे। वक्त आया 1936 का। सुचिरो होंडा अपना रिपेयर का काम करते करते बोर हो चुके थे और वो आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट कार पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने रिपेयर शॉप के शेयर होल्डर से बात करी कि वो इस ब्रांच को कार पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पर कंपनी के शेयर होल्डर उनसे राजी नहीं थे, और कंपनी के इन्वेस्टर ने बोला कि रिपेयर शॉप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उन्हें दूसरा काम में स्विच होने की कोई जरूरत नहीं। इस वजह से सुचिरो ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया ताकि वो पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चर कर सके, और उन्होंने
अपने एक करीबी दोस्त शिचिरो काटो को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। शिचिरो और काटो दोनों ही काफी मेहनत करना शुरू कर दी अपनी नई बिजनेस की तरफ। पर शिचिरो ने अपनी पुरानी जॉब अभी तक नहीं छोड़ी थी। वो दिन में रिपेयर शॉप में काम करते थे और रात में पिस्टन डिजाइन करते थे। आखिरकार इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद जाकर 1939 में पहली बार शिचिरो ने एक पिस्टन रिंग डिजाइन कर लिया और आखिरकार फिर जाकर अपनी जॉब को छोड़ा ताकि वो फुल टाइम अपने बिजनेस को दे सके। और आखिरकार शिचिरो को टोयोटा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला कि वो टोयोटा के लिए पिस्टन बनाए। पर शिचिरो के पिस्टन में अभी भी काफी खामियां थी और वो अभी भी टोयोटा के स्टैंडर्ड क्वालिटी से कोसों दूर थे। और जो 50 पिस्टन शिचिरो ने सबमिट किए थे सिर्फ 3 ही उनमें से टोयोटा के स्टैंडर्ड को पास कर पाए, जिसने शिचिरो को काफी परेशान कर दिया। पर फिर भी शिचिरो ने हार नहीं मानी और उन्होंने आने वाले कुछ साल पूरे जापान के स्टील कंपनीज और यूनिवर्सिटी घूमते हुए बिताए ताकि वो अपनी पिस्टन रिंग की नॉलेज को बढ़ा सके। उसके बाद जाकर शिचिरो ने अपने आप को एक और मौका दिया और फिर से एक पिस्टन डिजाइन किया। पर इस बार नतीजा बहुत अच्छा निकला। न केवल इस बार उनके पिस्टन ने क्वालिटी टेस्ट भी पास किया बल्कि उनके पूरे देश से ऑर्डर्स भी आने लग गए। कुछ दिनों में ही उनके ऑर्डर्स इतने बढ़ गए कि उन्हें 2000 एम्प्लॉयज को जॉब पे रखना पड़ गया। और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जापान ने 1941 में पैसिफिक वॉर ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से शिचिरो की कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल में चली गई मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के। जिसके बाद टोयोटा ने 45% शिचिरो की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जिसकी वजह से शिचिरो को कंपनी के प्रेसिडेंट से जनरल मैनेजर की पोस्ट पर डिमोट कर दिया गया। धीरे धीरे काफी एम्प्लॉयज को जॉब छोड़नी पड़ गई क्योंकि उन्हें जंग में हिस्सा लेने के लिए मिलिट्री में ड्राफ्ट कर दिया गया। हालत बस से बदतर होने लगी और साल 1944 में शिचिरो की कंपनी के ऊपर डायरेक्ट बॉम्ब गिर गया और उनकी पूरी कंपनी ही तबाह हो गई। और 1945 में जाकर जापान ने सरेंडर कर दिया और जो कुछ कंपनी की हिस्सेदारी बची थी वो शिचिरो ने 4.5 लाख येन में टोयोटा को बेच दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जंग के बाद जापान में अब कुछ नहीं बचा है। एक दिन शिचिरो की नजर जनरेटर इंजन पर पड़ी जो कि जापानीज इंपीरियल आर्मी ने वॉर के दौरान इस्तेमाल किया था अपने वायरलेस रेडियो को पावर देने के लिए। शिचिरो उस जनरेटर इंजन से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और पता लगाने के बाद कि वो कैसे काम करता है, शिचिरो को बेहतरीन आइडिया आया कि अगर वो ये इंजन बाइसिकल में फिट कर दें। हालांकि ये कोई नया इन्वेंशन नहीं था क्योंकि बाइसिकल में इंजन फिट करके पहली बार मोटरसाइकिल यूरोप में पहले से ही मौजूद थी, पर ये आइडिया जापान में काफी नया था क्योंकि शिचिरो जानते थे कि जंग के बाद देश को एक सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो 1946 में शिचिरो ने अपने पुराने वेयरहाउस को एक होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बदल दिया ताकि वो मोटर बाइक बना सके। और आखिरकार शिचिरो और उनकी 12 स्टाफ की टीम ने मिलकर अपनी पहली मोटर बाइक बनाई और इस मोटर बाइक को जापान में फौरन ही सफलता मिली, जिसकी वजह से उनके पास काफी ऑर्डर्स आने लगे। ज्यादा डिमांड की वजह से उनके पास पुराने इंजन कम पड़ने लगे तो शिचिरो ने अपना खुद का इंजन बनाने का फैसला किया। 1947 में पहली बार उनका टाइप ए इंजन बनकर तैयार हुआ और ये पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का नाम लिखा था। 1948 में पहली बार शिचिरो ने होंडा मोटर्स कंपनी की शुरुआत करी ताकि वो मोटर बाइक बना सके। पर शिचिरो के लिए सिर्फ एक परेशानी थी कि उनको अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो शिचिरो ने जापान में मौजूद 18,000 साइकिल शॉप ओनर को ओपन लेटर लिखा कि उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया है जापान को दोबारा खड़ा करने का। 18,000 लेटर जो शिचिरो ने लिखे थे उनमें से 3,000 ओनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया और उन्होंने शिचिरो को वो पैसा दिया जिनकी उन्हें जरूरत थी ताकि वो अपनी पहली शिपमेंट बना सके। अगले साल ही होंडा कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करी, द मॉडल डी। पर फिर भी शिचिरो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनकी बाइक काफी हैवी थी, तो उन्होंने अपनी दूसरी बाइक पर काम करना शुरू किया। और आखिरकार 3 साल के अंदर ही शिचिरो ने अपनी नई मोटरसाइकिल बना दी जो कि छोटी और हल्की थी, द सुपर कप,
जो कि काफी ज्यादा पसंद करी गई और बहुत ही सक्सेसफुल हुई, जिसके बाद ही आखिरकार होंडा ने इन्वेस्टर टाकियो फुजीसावा के साथ हाथ मिलाया ताकि फुजीसावा उन्हें पैसा और मार्केटिंग सपोर्ट दे सके, जिसकी उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में जरूरत थी। और आखिरकार 1958 में सुपर कब यूएसए में लॉन्च हुई, वो भी सिर्फ 295 प्राइस टैग के साथ, जो कि अमेरिकन मोटरसाइकिल की तुलना में एक चौथाई प्राइस की थी। साथ ही सोचिरो ने अपने मोटर बाइक को रेसिंग वर्ल्ड में भी इंट्रोड्यूस किया ताकि वो अपनी मोटर बाइक को पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर सके। सोचिरो की ये कोशिश रंग लाई और 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। होंडा ने अपने होंडा ड्रीम मॉडल की 10 मिलियन से भी ज्यादा मोटरसाइकिल बनाई थी, पर सोचिरो के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनाना भी उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि जो सपना उन्होंने 8 साल की उम्र में देखा था वो शायद अभी भी अधूरा था, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कदम रखने का। और जब सोचिरो ने अपनी कार इंडस्ट्री में कदम रखने की बात बताई तो काफी लोगों ने उनसे ये बोला कि ये मार्केट में एंट्री उनके लिए काफी रिस्की हो सकती है और उन्हें सिर्फ अपनी बाइक ही बनाते रहना चाहिए। उस टाइम पर जापान में टोयोटा निसान जैसी कंपनीज फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल सेगमेंट की लीडर थी, पर सोचिरो ने किसी की एक भी ना सुनी और 1963 में अपनी पहली फोर व्हीलर T360 मिनी ट्रक लॉन्च कर दिया। लेकिन इस छोटे और काफी किफायती ट्रक को कभी कंज्यूमर ने पसंद नहीं किया, तो सोचिरो ने अपनी दूसरी गाड़ी S500 लॉन्च करी, जो कि टू डोर की स्पोर्ट कार थी और ये कार 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती थी, पर फिर भी इस कार की केवल 1400 यूनिट ही बनी थी। तो होंडा ने अपनी बाइक की तरह ही अपनी कार्स को रेसिंग स्पोर्ट में लॉन्च किया। होंडा RA271 जो कि एक Formula 1 कार थी, और एक साल के अंदर ही होंडा ने रेसिंग वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन बना ली। पर फिर भी होंडा की कार मार्केट में अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो इसलिए होंडा ने रेसिंग स्पोर्ट से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया और अपनी नई कार पे काम करना शुरू कर दिया और साल 1972 में द होंडा सिविक लॉन्च कर दी। और एक साल के अंदर ही ये दुनिया में सबसे मशहूर कार बन गई थी, खास करके यूरोपियन और अमेरिका जैसी कंट्रीज में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में फ्यूल शॉर्टेज चल रही थी और होंडा की CVCC टेक्नोलॉजी कंपाउंड वोर्टेक्स कंट्रोल कंबशन कार में फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाती थी। और भले ही अमेरिकन मार्केट में उनकी कार जरूरत की वजह से बिक रही थी, पर होंडा की अकॉर्ड वो कार थी जिसने कार मार्केट का पूरा गेम बदल कर रख दिया। और आगे चलकर होंडा अकॉर्ड दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान में से एक बनी और होंडा जापान की 3rd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी से दुनिया की 3rd नंबर की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। साल 1973 में सोचिरो होंडा ने कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया और 1991 में सोचिरो होंडा का निधन हो गया। और इस टाइम पर होंडा ने अपने कदम जेट्स, बोट इंजन और रोबोट जैसी इंडस्ट्रीज में भी जमाए हुए हैं, जो इसे और कंपनी से बिल्कुल अलग बनाती है। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।